केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में आज जिले के युवा कांग्रेसियों ने जांजगीर स्थित जिला भाजपा कार्यालय का सांकेतिक घेराव किया है। इस दौरान बीजेपी कार्यालय के सामने कृषि बिल और केंद्र सरकार के खिलाफ में युवा कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं नगाड़ा, थाली और ताली बजाकर सरकार को जगाने का संकेत भी युवा कांग्रेसियों ने दिया। इस दौरान युवा कांग्रेसियों ने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार का कृषि बिल का काला कानून है और जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी तब तक चरणबद्ध तरीके से युवा कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। साथियों, आदोवाद देता हूँ कि आज हम किसानों के सम्मान में पहली यूनियन के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो कि यूथ कांग्रेस लाइव पेज है। आज युवा कांग्रेस के निर्देश पर आज सभी जिला मुख्यालय पर बीजेपी कार्यालय का घेराव हम लोग किसान लोग के पक्ष में कर रहे हैं और जो बीजेपी द्वारा जो काला कानून लाया गया है वो उसको वापस ले, हम लोग का यही मांग है। और गूंगी बहरी जो केंद्र सरकार है उसको नगाड़ा बजाकर, ताली बजाकर और थाली बजाकर हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि काला कानून को वापस ले और किसान भाइयों के पक्ष में उसको वापस ले, और किसान लोगों को हम लोग समर्थन कर रहे हैं और हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा जब तक किसान लोग के पक्ष में फैसला नहीं आता। हम लोग युवा कांग्रेस आज बीजेपी मुख्यालय के सामने नगाड़ा, ताली, थाली बजाकर जो केंद्र सरकार गूंगी बहरी है उसको हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं और काला कानून को रद्द करने का मांग कर रहे हैं। किसान विरोधी जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसको जगाने के लिए पूरे प्रदेश में युवा कांग्रेस द्वारा भाजपा कार्यालय का या जहां पर सांसद हैं उनके निवास का घेराव कर रही है। ये बहरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए युवा कांग्रेस यहां पर ताली और थाली बजाकर के जो इन्होंने किसानों के खिलाफ कानून लाया है वो वापस ले, अन्यथा युवा कांग्रेस सदन से सड़क तक की अपनी लड़ाई जारी रखेगी और किसानों के समर्थन में लगातार संघर्ष करते रहेगी और जब तक ये मोदी सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेती हम लगातार किसानों के हक में लड़ाई लड़ते रहेंगे। जावेद मेमन, यूथ कांग्रेस प्रदेश।